शहर सरकार बनते ही शहर की जनता को सुविधाएं देने के मकसद से अब तक जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, ऐसे छूटे हुए हितग्राहियों के राशन कार्ड बनाने वार्डवार शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां बीपीएल और एपीएल श्रेणी के कार्ड बनाए जा रहे हैं। नगरपालिक निगम भिलाई की शहर सरकार ने कमान संभाल ली है और कमान संभालते ही सर्वप्रथम शहर की जनता को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास शुरू किया जा चुका है। इसी के तहत अब नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र में जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं, ऐसे लोगों के लिए पुनः एक बार भिलाई निगम ने वार्डवार शिविरों के माध्यम से राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इनमें बीपीएल और एपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति बीपीएल की पात्रता रखते हैं और उनकी अर्हताएं पूरी कर रहे हैं, उन्हें बीपीएल राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन करवाया जा रहा है और जो यह पात्रता पूरी न कर पा रहे हैं, उनके लिए एपीएल कार्ड का आवेदन स्वीकार किया जा रहा है। वार्डवार लगाए गए इन शिविरों में काफी भीड़ भी देखी जा रही है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अब भी शहर में काफी लोग राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं। शहरवासियों के लिए लगाए गए इस राशन कार्ड शिविर की जानकारी नगरपालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने मीडिया को दी। अभी गवर्नमेंट का निर्देश आया कि जो हितग्राही राशन कार्ड बनाने छूट गए हैं, एपीएल बीपीएल या किसी भी वर्ग के हो, उनका अपने हमारे चारों पांचों जनों में वार्ड वाइज शिविर लगा रहे हैं। उनका अगर वंचित है जाकर वहाँ विधिवत आवेदन दे सकते हैं, जाकर उसका विधिवत राशन कार्ड जारी करें। नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा लगाए गए शिविरों के माध्यम से भिलाई शहर की जनता इसका भरपूर लाभ उठा रही है और अपने अपने राशन कार्ड बनवाने के लिए सभी अर्हताओं को पूरा करते हुए आवेदन भी कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।